नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक इन फैक्ट्स में। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त सुखदेव जोशी। और आज का जो वीडियो है व्हाट्सएप का, जी हाँ, व्हाट्सएप जो है हमारे मोबाइल नंबर से लिंक्ड रहता है। जी हाँ, जो हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं वो हमारे मोबाइल नंबर पर लिंक रहता है। और बहुत सारे लोगों का यही डर बना रहता है कि हमारा जो नंबर है जो मिस हो जाए तो हमारा जो चैट है या फिर हमारा जो लिंक्स है वो डेटा वगैरह सब कुछ जो है डिलीट हो जाएगा अगर हम अपने नंबर खो दें तो। और बहुत सारे लोग अपने नंबर खो भी चुके हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो जल्द ही आने वाला है, क्योंकि मार्क जकरबर्ग के अनुसार वो काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, जो कि अभी 2 महीने के अंदर ही लॉन्च होने वाला है। यानी कि लॉन्च डेट जो है इसकी 16 अक्टूबर रखी गई है। और इसमें आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ, आप लोग अपने ईमेल अकाउंट से भी अपना व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेम्प्रेरी नंबर दिया जाएगा और जो कि चेंज होता रहेगा, लेकिन आपका जो डेटा वगैरह जो है वो सब कुछ सेव रहेगा आपकी ईमेल आईडी पे। तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये डेस्कटॉप वर्जन रहेगा शुरू में, और इसके बाद इसको मोबाइल में भी अपडेट किया जाएगा। तो मार्क जकरबर्ग जो है वो जल्द ही इसको लॉन्च करने वाले हैं, और हम लोगों की जो प्रॉब्लम है किसी भी टेक रिलेटेड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए या ऑनेस्ट और जेन्युइन ओपिनियन के लिए कर दीजिए सब्सक्राइब टेक इन फैक्ट्स को, और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसे देख पाएं सबसे पहले। और हमें आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने में बहुत ही खुशी होगी। सो व्हाट्सएप का यूज हम लोग ईमेल एड्रेस से कर पाएंगे, जो कि ईमेल एड्रेस कभी नहीं होता अपना। अगर हम लोग इसका पासवर्ड भूल जाएं तो हमारे मोबाइल नंबर पे या फिर बहुत सारे अन्य दूसरे भी उससे से जिसकी सहायता से हम लोग उसको रीओपन कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप का यूज हम लोग अब से ईमेल से भी कर पाएंगे। और मार्क जकरबर्ग के अनुसार ये जल्द ही हो सकता है। उन्होंने जो 16 अक्टूबर बताया है उस डेट को ये डेस्कटॉप वर्जन जो है पहले लॉन्च करेंगे, इसके बाद जो है आपको मोबाइल वर्जन भी देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग जो है अभी जो है अपने नंबर से कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हमें एक और ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा जिसमें कि हम लोग ईमेल एड्रेस से भी कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है जो कि अपने मोबाइल नंबर को खोने का डर बना रहता है उनके दिल में हमेशा। सो जल्द ही आप लोगों को ये अपडेट मिल जाएगा जिसकी सहायता से आप लोग इसका यूज कर पाएंगे। और इसमें और भी अच्छे अच्छे अपडेट देने वाला है जिसकी सहायता से आप लोग डेस्कटॉप पे या फिर कहीं पे भी एक साथ 2 यूनिट्स या फिर डिवाइसेस पे भी इसका यूज़ कर पाएंगे, और कभी भी अपने पासवर्ड वगैरह चेंज कर पाएंगे। क्योंकि अभी जो सिक्योरिटी लगाई गई है इसमें हम लोग पासवर्ड जो है अगर चाहें तो दे सकते हैं, बट उसमें आपको पासवर्ड देना ही पड़ेगा। ओके, इससे होगा ये कि जो मोबाइल नंबर है किसी दूसरे के पास चला जाए तो अपने को डर नहीं रहता कि अपना जो डेटा है वो यूज कर पाएगा, एंड डेट्स ऑल ऑफ दिस। और हम लोग उसको परमानेंटली हमारा बना के रख सकते हैं। तो 16 अक्टूबर का वेट कर लीजिए, उसके बाद जो है व्हाट्सएप जो है एक नए रूप में आपको दिखने वाला है। और आप लोग चाहें तो हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने अपना नंबर जो है खो दिया है तो उसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार से आप लोग अपना व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने अपना नंबर खो दिया है। तो आई थिंक सो वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपने भी अगर अपना नंबर खोया है तो हमारे वीडियो ज़रूर देखें, और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हम लोगों से पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट में, या फिर हमारे ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पर आप लोग हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जल्द से जल्द सहायता करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।